बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आज ख़बरें आपके साथ दो शेयर करनी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। एक ख़बर ये है कि वज़ीरे ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और वज़ीरे आज़म साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब के दरमियान सिर्फ तल्ख कलामी नहीं हुई, हाथापाई हुई है। क्या हुआ है ये आपको बताएँगे, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। इसके साथ ही एक्चुअली मैं ख़बर दूसरी डिस्कस करना चाह रहा था जो जनरल बाजवा साहब का विज़िट है और उस पर ख़ास तौर पे सऊदी अरब के वजी सफ़ीर जो पाकिस्तान में भी सऊदी अरब के सफ़ीर रहे 2001 से 2009, उन्होंने अरब न्यूज़ में एक आर्टिकल लिखा और ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल। मैं समझता हूँ कि यूँ समझ लीजिए कि ये एक गैर सरकारी रिस्पॉन्स था, एक तरह से एक रिएक्शन था गैर सरकारी। उसमें तो बहुत कुछ उन्होंने लिखा लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की धज्जियाँ उड़ाई हैं। उससे पता चला कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की बल्ली चढ़ने लगी है, क्या होने लगा है, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत तफसील के साथ। लेकिन ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई, मैंने कहा कि इसको छोड़ नहीं सकते, बड़ी मैंने इसकी रिसर्च की और मैंने वो कॉरेस्पॉन्डेंट जिन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी मैंने उनसे कम अज़ कम 3 मरतबा बात की, बहुत डिटेल के साथ आपके साथ इंशाल्लाह ये शेयर करेंगे। दूसरा, दोस्तों को बताते जाएं कि ये बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपकी मोहब्बतें हैं, आपका एतमाद है, ये सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए जिन दोस्तों ने नहीं किया, ताकि आपको वीडियो उसी तरह से मिलती रहे। अच्छा, आपसे एक छोटी सी बात दोस्तों ये करनी थी कि कुछ दोस्त पूछते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के कम्यूनिटी पेज पर कुछ लोगों की वीडियोज़ लगी होती हैं, वो होते हैं कि जो न्यू कमर होते हैं ना इस फील्ड में, तो वो इस वजह से और आके हमारा इंटरव्यू करते हैं, बाद में वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हमारे कम्युनिटी पेज पर हमारी वीडियो भी लगा दें। तो इस वजह से एक रिक्वेस्ट है कि उनकी भी हौसला अफजाई के लिए अब उनकी वीडियो ज़रूर देखा करें, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो न्यू कमर के लिए। तो इस वजह से वो जो हमारा इंटरव्यू करके जाते हैं तो हम उनका अपनी वीडियो जो है ना अपने कम्युनिटी पेज पर भी आ जाएँ। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और आज़म खान साहब के दरमियान तल्ख कलामी फड्डा हुआ है, फड्डा, ठीक है ना, मुबैना तल्ख कलामी, क्या मुबैना हाथापाई। अच्छा, वज़ीरे ख़ारजा साहब ने कहा जा रहा है कि वो जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये रवां हफ्ते इसी हफ्ते की खबर है, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जा रहे थे मुलाकात के लिए, वहाँ पर पीएम ऑफिस पहुँचे और वो मुतमन्नी थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करें। आज़म खान साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के, उन्होंने उनको रोका, उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी मीटिंग में हैं। तो पहले तो तल्ख कलामी हुई, जाहिर है वो भी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी बेस है, उनकी पॉलिटिकल बेस है, आपको मालूम है। लेकिन आज़म खान साहब से किसको शिकायत नहीं है, मैं अब अगर बताना शुरू कर दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को शिकायत है कि ऐसे ऐसे लोग जो कि बानी मेंबरान में हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं जनाब, चुप करके किसी तरीके से इस बंदे से हम ना उलझें। शाह साहब का तो आपको पता है, फिर उनकी एक बेस भी है, उनका एक वोट भी है, एक अपना बहुत एक स्टेचर भी है पोलिटिकल। वो जनाब वहाँ पे तैश में आ गए, उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, और तल्ख कलामी हुई। और इसी दौरान जनाब आज़म खान साहब ने उनको जब रोकने की कोशिश की तो वज़ीरे ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। जी हाँ, ये रिपोर्ट की। अच्छा, जिसने ये रिपोर्ट किया ना, उसके बाद कहा गया कि वज़ीरे ख़ारजा साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गए और उसी तैश के अंदाज़ में, मुश्तइल अंदाज़ में गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से आज़म खान साहब की शिकायत भी की बाकायदा। अच्छा, अब इसकी शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो तरदीद कर दी, वो ऐसे ही होता है, ठीक हो गया ना। अच्छा, उनकी वो आ गई, लेकिन ये खबर सबसे पहले ब्रेक की थी हमारी सहाफ़ी हैं राशिदा सियाल साहबा, अब तक न्यूज़ की वो फॉरेन ऑफिस की बीट देखती हैं। मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि जी बिल्कुल ये खबर है, मेरे अपने सोर्सेज बड़े अथेंटिक सोर्सेज हैं और ये खबर की डिटेल मैं आपको भेज रही हूँ। अच्छा, उन्होंने डिटेल भेजी। जब ये तरदीद आई तो फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा, दोबारा मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको 3 मरतबा फ़ोन किया। तो जनाब उनको मैंने दोबारा फ़ोन किया तो मैंने उनसे फिर पूछा, मैंने कहा कि जी आप अब ये तरदीद आई है तो आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि नकवी साहब आप खुद जर्नलिस्ट हैं,
आपको पता है जर्नलिस्ट सोर्स तो नहीं बताता, जाहिर है मेरे पास एक फॉरेन ऑफिस की जो बीट भी है और जो है ना सोर्स तो नहीं बताऊंगी। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या आप अपनी खबर पर कायम हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कायम हूँ। तो मैंने कहा क्या आपका नाम लेके मैं बता दूँ, उन्होंने कहा जी मेरा नाम ले लीजिए, राशिदा सियाल साहब हैं, वो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अब तक न्यूज़ की, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उन्होंने कहा जी मेरा नाम ले लीजिए और बता दीजिए कि आज़म खान साहब को थप्पड़ पड़ा है शाह महमूद कुरैशी से, शाह महमूद कुरैशी और आज़म खान साहब में तल्ख कलामी किया, हाथापाई हुई है बाकायदा, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने थप्पड़ जड़ दिया है आज़म खान साहब के मुँह पर, और कहें कि मेरा नाम लेके बताएं और मैं इस खबर पर कायम हूं और मैं मेरे ज़राए बड़े ऑथेंटिक हैं और मैं आज भी इस खबर पर अभी तक भी कायम हूं। आ जाएं जनाब, ये असल में जो न्यूज़ में डिस्कस करना चाह रहा था ना वो ये है कि अरब न्यूज़ में दो दिन पहले डॉक्टर अली अवाद असीरी साहब ने एक आर्टिकल लिखा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल है, और ये आर्टिकल आपने देखा कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी चला बहुत सारे, लेकिन जाहिर है वो आर्टिकल बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है तो वो लोग चला देते हैं, अब हर बंदा तो उस तरीके से तो नहीं पढ़ता। दूसरी बात यह कि जो जर्नलिस्ट होता है उसकी अपनी थर्स्ट होती है बड़े क्रिटिकल अंदाज में। ये अली अवाद असीरी साहब, डॉक्टर अली अवाद असीरी साहब 2001 से 2009 सऊदी अरब के सफ़ीर थे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, उन्होंने इसका तस्करा भी किया, और जाहिर है बहुत ही ट्यूमल्टस किस्म का जो है ना एक पीरियड है, बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही डेंजरस पीरियड था, बहुत ही क्रिटिकल पीरियड था। मुशर्रफ साहब का ज़माना था, जस्ट यानी नया नया 9/11 हुआ था, दहशतगर्दी का अफरीद था वगैरह। अब उनके आर्टिकल का जो उनवान है वो है सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान अ पार्टनरशिप टू इम्पॉर्टेंट टू फेल। इसमें सुनिएगा क्या इम्पॉर्टेंट, मैं समझता हूँ कि ये सऊदी अरेबिया का एक नॉन ऑफिशियल एक गैर सरकारी एलामिया है, एक समझ लें कि शाह महमूद कुरैशी साहब के। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी उन बातों से गुजरूंगा, लेकिन जो अहम तरीन बातें होंगी उस पर मैं रुक के तबसरा करूँगा। आप देखिएगा कि उन्होंने किस किस को उड़ाया है, क्या क्या सूरत, इससे सब कुछ वाजे हो जाता है कि क्या पॉलिसी है, आगे चलने क्या लगा है, बाजवा साहब के सामने क्या मुतालबात हैं और क्या क्या सूरत हाल है, और पाकिस्तान कितना क्रिटिकल दौराहे पे खड़ा है, और पाकिस्तान के ऑप्शंस क्या रह जाते हैं, क्या क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि ये वो डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स का जिक्र किया कि पाकिस्तानी मीडिया में भी चली, आलमी मीडिया में भी चली, रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की गई, शाह साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब के इंटरव्यू का हवाला दिया, दोनों मुल्कों के जनाब बड़े तारीखी ताल्लुकात, और उन्होंने फरवरी 2019 में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान का हवाला भी दिया, इमरान खान साहब ने गाड़ी ड्राइव की थी उसका हवाला भी दिया, इक्तसादी पैकेज $6.2 बिलियन $2.62 अरब जिसमें $3 अरब का उन्होंने कहा कर्जा और $3.2 अरब का वो डेफर पेमेंट पर जो तेल था उसका भी जिक्र किया। फिर उसके बाद कहा कि हमने इमदाद दी तो फिर यूएई ने भी इमदाद दी, फिर ये भी साथ लिखना उन्होंने ज़रूरी समझा कि आईएमएफ का तो बाद में पैकेज मिला, पहले हमने इमदाद दी थी। अच्छा, $20 अरब की इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र किया, अभी जो $10 अरब की भाई गवादर में वो ऑयल रिफाइनरी लगनी थी उसका भी अभी हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन भर उनका वो जिक्र किया। ये भी बताया कि चीन जो है सऊदी ऑयल का सबसे यानी लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। 1990 में कुवैत पर इराक का हमला हुआ तो पाकिस्तान की फोर्सेस का जिक्र किया, रहील शरीफ साहब का उस इस्लामी इतिहाद के सरबराह होने का जिक्र किया। अच्छा, 2001 से 2009 के दरमियान अपने उस दौर का जिक्र किया कि हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे और वो सारा दहशतगर्दी। इसी तरीके से अक्टूबर 2005 के जलजले का जिक्र किया सऊदी इमदाद का, यहाँ तक उन्होंने जो है ना अब उसके बाद जनाब यहाँ तक ये सारे एहसानात गिनवाए, ठीक है ना, ये उनका पोर्शन है एहसानात गिनवाने का। अब आ जाएं जनाब, वो कहते हैं कि यौम इस्तेसाल पर ये जो पाकिस्तान ने मनाया यौम इस्तेसाल कश्मीर ये 5 अगस्त को, तो हम मैंने एक कालम भी लिखा, लेकिन अगली सुबह मैंने देखा कि वज़ीर ख़ारजा साहब शाह महमूद कुरैशी के बयान पर मुझे बड़ा दुख हुआ, और उस बयान को उन्होंने हकीकत के बरअक्स करार दिया, फार फ्राम रियलिटी लिखा, ठीक है ना। अच्छा, इस बयान को
OIC के वज़राए खारजा का भी उन्होंने बार बार जिक्र किया, जिसका पाकिस्तान का भी उन्होंने कहा कि बड़ी महारत से। अच्छा, एक चीज़ जिसका पाकिस्तान बार बार जिक्र कर रहा है ना, OIC के वज़राए खारजा की मीटिंग का, कि उस कश्मीर पर बुलाई जाए, उसको बड़े महारत से उसका उन्होंने दिफा किया जनाब अली आवाद असीरी साहब ने, डॉक्टर साहब ने। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से वो हो नहीं सका, और शाह महमूद कुरैशी ने OIC की क्रेडिबिलिटी को दागदार करने की कोशिश की, तो हमने ये किया था और फलाह ने ये बयान दिया था, तो उसके बाद वज़राए खारजा का क्या कोई ज़रूरी नहीं था, वगैरह वगैरह। अच्छा जनाब, इम्पॉर्टेंट पे आ जाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब वो लिखते हैं, देखिएगा ज़रा किस तरीके से हिट किया उन्होंने शाह साहब को। कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब खारजा महाज पर, उनके बकौल, खारजा महाज पर मसला कश्मीर उजागर करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए इस नाकामी या खिफत को छुपाने के लिए उन्होंने मलबा डाल दिया OIC पर। अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में सऊदी अरब के पाकिस्तान में सबका सफ़ीर कह रहे हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं, अब ज़रा देखिएगा कि शाह महमूद कुरैशी यानी अली आवाद असीरी साहब लिख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने जो धमकी दी इस्लामी ममालिक का अलग ब्लाक बनाने की, ये सबसे ज़्यादा परेशान गुण है। अब आपको इससे पता चल गया होगा, वो कह रहे हैं कि उम्मा को डिवाइड करने की कोशिश है। आपको इससे पता चल गया होगा, मैंने कहा था कि शाह साहब ने अपने बिहाफ पे ये नहीं किया, ये हो नहीं सकता कि शाह साहब ने बड़ों की मर्ज़ी के बग़ैर ऐसा किया हो। इस तहरीर से लग रहा है, अली आवाद असीरी साहब की तहरीर से, कि दुखती रग पे हाथ लगा है, हाथ आया है दुखती रग पे, ठीक है ना। अब जैसे ही शाह साहब, यार है शाह साहब से आप इख्तलाफ़ कर सकते हैं, उनकी पॉलिसी से उन पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, बड़े मंझे हुए वज़ीर ख़ारजा हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं, ठीक हो गया ना। अब किसी पे कोई तनकीद, लेकिन उनकी उनकी एबिलिटी पे तो नहीं आप वो कर सकते ना, भले आप नीयतों पे शक कर लें, वो कोई मसला नहीं, करते रहते हैं लोग, लेकिन उनकी एबिलिटी पे शक मैं तो कम अज़ कम नहीं कर सकता। तो ये इतना इतना मंझा हुआ सियासतदान और इतना सीजेंड पॉलिटिशियन और इतना सीजेंड फॉरेन मिनिस्टर, वो किस तरीके से, अब इन्होंने जो लिखा ना कि जो उन्होंने जिक्र किया, यानी जाहिर है शाह साहब की मुराद वही ईरान, मलाइशिया, तुर्की वगैरह, इस किस्म के ये इनके और जाहिर चाइना का ब्लॉक और इस तरफ था, तो वो उनने जो जिक्र किया तो इसका मतलब है वो दुखती रग पे हाथ रखा है। उन्होंने फिर साथ ये भी लिखा अली आवाद असीरी साहब ने कि दिसंबर 2019 में पाकिस्तान के कुआलालंपुर समिट में जो नहीं गया ना, वो बड़ा अच्छा इकदाम था, बड़ी तारीफ की उसकी, ठीक है ना। अब उसके बाद जनाब वो आ गए ईरान और तुर्की पर, उनकी लीडरशिप को सही लताड़ा उन्होंने, और कहा कि शाह महमूद कुरैशी का इशारा अगर ऐसी किसी गैदरिंग की तरफ है जैसा कुआलालंपुर वाली गैदरिंग थी, और फिर पाकिस्तान नहीं गया था, अगर ऐसी किसी गैदरिंग की तरफ उनका इशारा है कि दोबारा ऐसा किया जाए तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा। इसका मतलब है ये उनकी बड़ी दुखती रग है, और बड़ा ठीक ठाक करके उनकी दुखती रग को छेड़ा गया है, ठीक हो गया ना। ये एक लिखते हैं कि ये एक ब्रादर मुल्क से तवक्को नहीं की जाती, इसका मतलब ये है कि शाह साहब की धमकी ठीक काम कर गई, सही जगह पर बैठी है धमकी, ठीक हो गया ना। आज जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि ये जो है ना, ये स्टेप ईरान और तुर्की की क़ियादत को, इस किस्म का स्टेप, ऐसा कोई भी स्टेप ईरान और तुर्की की क़ियादत को फ़ायदा पहुंचाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने ईरान पे भी रज के तनकीद की, फिर उसके बाद जनाब जब तुर्की पे आए तो रजब तैयब अर्दोगान साहब पर शदीद तरीन तनकीद की, यानी रजब तैयब अर्दोगान साहब पर, यानी कि यूँ समझ लें कि रजब तैयब अर्दोगान को कहा कि ये अंदरूनी तौर पे भी, बैरूनी तौर पे भी, खित्ते के हवाले से भी इक्तदार का भूखा है, ये अंदरूनी तौर पे भी नियो ओटमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नई जो है ना सल्तनत उस्मानिया ये बनाना चाह रहे, इस पर अच्छा उन पर बड़ी ज़्यादा तनकीद की। लेकिन बात यह है कि रजब तैयब अर्दोगान साहब तो कश्मीर पर खुल के खड़े हैं ना पाकिस्तान के साथ, यहाँ से तो खुल के कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा ना, और वो तो खुल के खड़े हैं। इसी तरह से मलाइशिया पे देख लें,
महातीर मोहम्मद साहब वो भी खुल के खड़े हैं, उनके हुक्मरान भी खुल के जनाब वो दे रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट। उन्होंने महातीर मोहम्मद साहब ने दिया था बयान, तो इस आर्टिकल में महातीर मोहम्मद साहब का जिक्र नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अब वो वज़ीर आज़म नहीं हैं मलेशिया के। लेकिन अभी दोबारा उन्होंने रीट्रेट किया, उन्होंने कहा कि मैं उस बयान पर कायम हूँ और मैं कश्मीर के साथ खड़ा हूँ। तो अब जनाब दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह से ईरानियन लीडरशिप, ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी और बाकी ईरानियन लीडरशिप ने भी कश्मीर पर खुल के मौकफ दिया। ये बड़ी एक जो है ना, मैं समझता हूँ, और अलीवाद असीरी साहब लिखते हैं कि वाई शुड पाकिस्तान फॉल इनटू दिस ट्रैप, ये सारे फंसाना चाह रहे हैं तो क्यों पाकिस्तान इस ट्रैप में फंसे। इसका मतलब ये है कि वो दुखती रग है कि अगर नाम लिया जाए इस तरह का तो वो तड़प उठते हैं कि जी अच्छा इस तरह का। और कहते हैं कि सऊदीया ने इंडिया में भारी सरमायाकारी कर रखी है, ये हकीकत है, उन्होंने इसको चीज़ को माना है। 30 लाख इंडियन उनके मुताबिक वो कहते हैं सऊदी अरब में भी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा मामला हुआ भी था इख्तलाफात का तो उसे डिप्लोमेटिक चैनल से हल करना चाहिए था। फिर उसके बाद वो आ गए जनाब वो शाह महमूद कुरैशी को रगड़ा, कहते हैं कि ऐसे इख्तलाफात को सरेआम डिस्कस करना, शाह महमूद कुरैशी जज्बात की लहर में आ गए और बाजवा साहब का जो दौर, अब उसके बाद देखिएगा ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने कहा कि ये बाजवा साहब का जो दौरा, वो पिछले दौरे की बात कर रहे हैं इसकी नहीं, वो बाजवा साहब का जो दौरा उसके साथ उन्होंने DGISPR जनाब जनरल बाबर इफ्तखार साहब के बयान का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि सऊदी पाक रिलेशंस आर हिस्टोरिक। और उसके बाद वो लिखते हैं अली अवाद असीरी साहब, उसके बाद वो कहते हैं कि इस बयान के बाद, यानी जब जनरल DGISPR कह रहे हैं कि पाक सऊदीया के जो ताल्लुकात हैं वो तारीखी हैं, बताओ इस बयान के बाद शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा के बयान की क्या वक़्त रह जाती है। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो उनको भी सिंगल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़रा आपको अंदाज़ा होगा। एंड पे वो ये लिखते हैं, अच्छा कुछ अभी तक तो मैं ये समझ रहा था, तो मैंने कहा हो सकता है अब भी हो सकता है जो लोग कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा साहब की बल्ली चढ़ाई जाए, हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब को हटाया जाए, उनकी तरफ से मुतालबा हो। लेकिन इस आखिरी सेंटेंस पे मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया कि वो कहते हैं कि अली अवाद असीरी साहब, क्या इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब को समझाएँगे कि मुस्तकबिल में मोहतात रहें। अब ये एक बात है कि क्या उन्होंने इसे समझाने की बात की है या अब सऊदीया का जो ऑफिशियल रिएक्शन है वो अभी तक नहीं आया। बात ये है, बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं, वो तजियाकार इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मीडिया के वो तजियाकार बता रहे हैं जिनकी मिडिल ईस्ट पे नज़र है, जिनकी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे नज़र है, जिनकी CPAC में नज़र है, जिनकी पोस्ट कोविड अलाइनमेंट पे नज़र है, जिनकी ये जो कोरोना के बाद जो अलाइनमेंट बनेगी और नए इतिहाद बनेंगे और ब्लाक बनेंगे इन पर नज़र है। वो ये बता रहे हैं कि अब हो सकता है वो ताल्लुकात पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के, ठीक है, कुछ हद तक ठंडे तो हो जाएं, कुछ हद तक इम्प्रूव हों, लेकिन ये मामलात बिल्कुल ऐसे ख़त्म नहीं होंगे। भाई बात ये है, अब पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक मैं समझता हूँ कि ग्रे एरिया में नहीं रह सकता। ग्रे एरिया से मुराद ये है कि तू भी राजी तू भी राजी, ये ग्रे एरिया होता है। ग्रे एरिया से मुराद ये है कि दो कश्तियों में इधर भी पाऊँ इधर भी पाऊँ, नहीं। अब जो ब्लॉक बनने जा रहा है, पहले चाइना जो सुपर पावर बनने से कोसों दूर था, अब वो सुपर पावर बनने से, वो पहले कह रहे हैं कि अमर्जिंग सुपर पावर, अब उसको कह रहे हैं कि वो अमर्ज्ड सुपर पावर है। अब चाइना बबांगे दोहल अमेरिका को आंखें दिखाने लगी है। बहुत सारे आप इकोनॉमिक फ्रंट पे देख लें, आप बहुत सारे और फ्रंट्स पे देख लें, इंडिया को खड़ा कर दिया गया है चाइना के अगेंस्ट, वो भी बहुत सारे। बेसिकली लोग बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, ज़राए बता रहे हैं कि सऊदी अरब के ये मुतालबात बबांगे दोहल आने लगे थे। अब आपका क्या ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसे ही पब्लिकली इसको सरेआम डिस्कस कर दिया? नहीं जनाब, ज़राए बता रहे हैं पहले बहुत कुछ डिस्कस हुआ। ज़राए बता रहे हैं कि सऊदी अरब ने ही अभिनंदन को छुड़वाया था। जी हाँ, ज़राए बता रहे हैं कि कलभूषण को यादव को भी सऊदी अरब छुड़ाने के चक्कर में था, इसी वजह से कोई आर्डनेस भी आया। ज़राए बता रहे हैं कि सऊदी अरब के मुतालबात हैं कि चाइना को छोड़ दो। ज़राए बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ईरान को छोड़ दो। अब चाइना ने ईरान में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की, इसके नतीजे में ईरान से इंडिया को निकाल बाहर कर दिया गया, चाहे बाहर से भी, और दूसरी बात यह है कि वो रेलवे के प्रोजेक्ट से भी और बहुत सारे। अब इससे पाकिस्तान बड़ा खुश है, वो कहता है कि जनाब इंडिया को ईरान से खैर से उसकी छुट्टी हो गई है इंडिया की, तो ये हमारे मफाद में है और ये सब कुछ करवा रहा है साथ चाइना, और उनको भी पता है।
अब अगर सी पैक को कंसोलिडेट होना है, अब अगर एक ब्लॉक चाइना, ईरान, मलेशिया, टर्की, ये सारा एक ब्लॉक बनता है और दूसरा ब्लॉक अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, अब जो इसराइल को तस्लीम करने वाली बातें, ये सारा कुछ बनता है। अब पाकिस्तान को मैं नहीं समझता कि बहुत लंबे अरसे तक ग्रे पीरियड में, ग्रे एरिया में रहें। हो सकता है मसलन, अब मैं आपको बताता हूँ ना कि क्या क्या ऑप्शंस हैं सऊदी अरब के पास, क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस कम हैं, ये नहीं मैं इसको इतनी बड़ी थ्रेट समझता कि जनाब उन्होंने एक अरब डॉलर तो अपना मांग लिया और दो और मांग लेंगे, चाइना दे देगा। अगर वो बिलफर्ज इस तरह से कह लें कि जनाब उन्होंने ये किया है कि अगर फॉर एग्जांपल एक अरब डॉलर उन्होंने मांगा और बाकी मांग लें, या अगर वो डेफर पेमेंट पर तेल भी ना दें, या अगर इस तरीके से हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कह दें कि जनाब ये वो वाला सूरत हाल हो कि ये पैसे मांग लेंगे, फर्दर इमदाद नहीं देंगे, ये नहीं। दो बातें हैं, वो दो बातें ये हैं कि एक वो जो रेमिटेंसेज आती हैं, जो तरसीलात ज़र आती हैं, वो बहुत ज़्यादा आती हैं वहाँ से, वो अगर रुक गई तो बड़ा मसला होगा। दूसरी बात ये है कि लाखों पाकिस्तानी वहाँ पर हैं और साथ ज़ाहिर है आप मिडिल ईस्ट को भी मिलाएं तो 50 लाख तकरीबन बनते हैं, लोग कह रहे हैं। तो आप उनको बताएं कि अगर उन्होंने उनको वापस भेज दिया तो तब क्या होगा। लेकिन बात कह रहे हैं, बहुत सारे माहरीन कह रहे हैं कि इतना आसान काम नहीं है साहब, जो हमारी फोर्सेस वहाँ पे हैं उनका डिफेंस पैक्ट हमारे साथ हुआ है, जो वहाँ पर जो है ना उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी है, अभी उनको होशियों से बड़े खतरात हैं, इस तरीके से ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतना जल्दी वो यूँ कर सकें। तो ये जो सूरत हाल डेवलप की गई है या ये जो बयान आया है वज़ीर ख़ारजा साहब का, ये सुनवाई दी गई है कि जनाब हम फर्दर डिक्टेशन नहीं लेंगे, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, यानी आप फ्रेंड्स रहें मास्टर न बने, हम फर्दर डिक्टेशन नहीं लेंगे। अब पाकिस्तान को उस ग्रे एरिया से निकल के, क्योंकि उस ब्लॉक असल में तो बहुत सारे ज़राए कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं, अंदर की खबर रखने वाले, बावसूख खबर रखने वाले, बावसूख ज़राए बता रहे हैं कि ये बेसिकली जो डिमांड्स हैं ये कोई सऊदी अरब की सिर्फ डिमांड्स नहीं हैं, ये अमरीका की ज़बान बोल रहा है सऊदी अरब, और इस तरीके से वो कह रहा है कि जनाब आप इसको जो है ना ये कर दें और वो कर दें और चाइना को छोड़ दें और ईरान को छोड़ दें और सी पैक को छोड़ दें और ये करें वो करें, सारा कुछ ये मिसाल के तौर पे ये बता रहे हैं। तो ये बेसिकली डिमांड्स तो हैं अमेरिका की, और वो अमेरिका की डिमांड्स आ रही हैं सऊदी अरब के ज़रिए। अब जाहिर है कि उस ब्लॉक में अमेरिका हो, अरब कंट्रीज़ हों, साथ इंडिया भी हो, अब उस ब्लॉक में पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है ना। अब दूसरा ब्लॉक बन रहा है चाइना, ईरान, मलेशिया, टर्की, अब इस ब्लॉक में आप वो देखें, जाहिर रिपरकशंस दोनों तरफ से हैं, लेकिन पाकिस्तान अपना मफाद सोचेगा नो डाउट। ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल, कोई भले कह दे वो तो अपनी एक हुकूमतों की नाकामी होती है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तो बड़ा कहा गया था ना कि जनाब फलां का वज़ीर ख़ारजा नहीं था, भाई आपका तो वज़ीर ख़ारजा है ना, अब ना वज़ीर ख़ारजा गया, ना जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान गया, जनाब आर्मी चीफ साहब और DGI SI साहब गए, और ठीक है, और तो उनको भी पता है कि कहाँ पर किन के हाथ में कंट्रोल होता है, उन्हीं से बात करनी है जनाब, उन्हीं से बात। अब ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान भी ज़ाहिर है अपने नेशनल इंटरेस्ट देखेगा, जहाँ खित्ते में, जहाँ पोस्ट कोविड अलाइनमेंट में, जहाँ जिस ब्लॉक में उसके ज़्यादा मफादात का तहफ़ होगा पाकिस्तान वही करेगा। लेकिन चूँकि पाकिस्तान पे एक इंतहाई प्रेशर मुसलसल आ रहा था, इस वजह से सुनवाई दी गई है कि जनाब अब हम डिक्टेशन फर्दर कबूल नहीं करेंगे। देखिए होता क्या है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान इंतहाई क्रिटिकल दौराए पर खड़ा है, इंतहाई मुश्किल दौराए पे खड़ा है, उसे फैसला अब ज़रूर करना होगा, क्योंकि चाइना इमर्जिंग नहीं बल्कि अनऑफिशियली तो वो अमर्ज हो चुका है। अब किसी भी वक्त अगर अगले 2-4 साल में उनका अनाउंसमेंट हो जाता है कि वर्ल्ड जो है ना अब यूनिपोलर नहीं बल्कि बाईपोलर है, तो अब उसके बाद जो है ना पाकिस्तान की, जाहिर है जिस ब्लॉक में इंडिया होगा पाकिस्तान उस ब्लॉक में नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल है। क्या होता है देखते हैं, इस पे फर्दर बहुत डेवलपमेंट आने वाली हैं, बहुत कुछ आने वाला है इस दौरे के आने के बाद भी जो है ना, इसके ख़त्म होने के बाद भी जनाब इस पे मुख्तलिफ खबरें आएंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।